अच्छा जी, अब हम यूटिलिटी फंक्शन की बात करते हैं थोड़ी सी। अभी हमने ये जो आप देख रहे हैं ना मैथमेटिकल, ये एक ही जगह करने लगा हूं सारे कि हम हाउ वी कैन कैलकुलेट द ऑप्टिमल गुड्स एक्स वन और एक्स टू, ये आपने किया होगा। आपको मैंने एक दफा बताया आपको, मैं दो फंक्शन दो क्या थी फंक्शन टू मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है आपका या दूसरा लेक्चर, उसमें आप एक्स वन और एक्स टू निकालते हैं, याद है? वो जो पॉइंट्स निकालते हैं वो क्या होते हैं, वो ऑप्टिमम पॉइंट्स होते हैं। इसमें थोड़ा सा अब उसने थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश की, उसने कहा कि इन दोनों पोजीशंस को चेंज किया जा सकता है, क्या उसने कहा हां जी किया जा सकता है। कैसे? टैक्स लगा, गवर्नमेंट टैक्स लगा, गवर्नमेंट दो तरह के टैक्स लगाते हैं। मैं अगर इनकम जनरेट कर रहा हूं तो मेरे पे इनकम टैक्स होगा, एक वो है जो मैं क्वांटिटी पे देता हूं जो मैं परचेज करता हूं, क्या करता हूं इसका मतलब हम दो केसेस पढ़ेंगे, क्वांटिटी टैक्स का और दूसरा किसका पढ़ेंगे, इनकम टैक्स। अच्छा अब क्वांटिटी टैक्स किस पे इफेक्ट करेगा, क्वांटिटी टैक्स किस पे इफेक्ट करेगी, कंजप्शन ऑफ दैट गुड ऑन व्हिच टैक्स इज डिवाइडेड, ऑन व्हिच टैक्स इज इंपोज्ड। अगर मेरे पास दो गुड्स हैं एक्स वन और एक्स टू और एक्स वन पे टैक्स लगता है तो किसकी डिमांड इफेक्ट होगी, एक्स वन पे टैक्स लगा, एक्स वन की प्राइस क्या होगी, इंक्रीज होगी क्योंकि पिवट शिफ्ट होगा, क्या होगा, एक्स टू वहीं से स्टार्ट होगा, एक्स वन जहां खत्म होगा वो क्या है, ये तो कहां आ गया यहां। अब इंडिफरेंस कर्व था यहां, इंडिफरेंस कर्व था यहां, तो इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा थोड़ा सा x1 x2 जो है वो सेम रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसलिए मैं पहले इसको ड्रॉ करता हूं। और देखिएगा पहले x1 था यहां, अब x1 जो ऑप्टिमल होगा वो कहां होगा, इसलिए ऊपर मैं 2 स्टार्ट करूंगा। तो क्या हुआ, जब क्वांटिटी टैक्स लगता है x1 पे तो अब दूसरा टैक्स, सेकेंड टैक्स, सेकेंड टैक्स जो है दैट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स क्या है, इनकम टैक्स अब किस पे इफेक्ट करेगा, बजट पे इफेक्ट, ऑन बजट लाइन होते हैं दोनों चीजों के काम होगी, क्या पहले मैं मेरी इनकम कम हो गई इसका मतलब बजट लाइन जो है वो शिफ्ट हो जाएगी पैरेलल, मैंने आपको इनकम इफेक्ट बताया था बजट लाइन, बजट लाइन अब हम तुम्हारा इसको ड्रॉ करें, यस ये शिफ्ट और अब बेशक अब दोनों क्वांटिटी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, ये x2 है और ये x1, ये x1 है और ये चेंज होगी, क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक, तो क्या है, दीज आर द केस स्टडी व्हेन टैक्स इन इनकम टैक्स, आइदर इनकम टैक्स और सेल्स और क्वांटिटी x1, तो सेम चीज है कि दोनों सेम तो नहीं आती है, मुझे सेम काम यही तो बता रहा हूं, सेम क्या है, अगर किस क्वांटिटी पे लगा, नो नो सर उसमें नहीं, जब बजट लाइन शिफ्ट करता है पैरेलल, अनटिल पैरेलल है, फिर पैरेलल है, और उसमें कमोडिटीज कौन सी है इंक्लूड करो जी, उसमें कौन सी कमोडिटी परफेक्ट उसकी जो होगी, ये नॉर्मल की बात है, नॉर्मल ये आप नॉर्मल का सिर्फ इस चीज से देख सकते हैं कि इंडिफरेंस का शेप क्या, मैं आपको इसकी बात करें तो स्ट्रेट लाइन है तो आपको बगैर कुछ मान लेना चाहिए कि ये क्या है,
DTR substitutes हैं, perfect substitutes. अगर LCM है तो आपको पता लगना चाहिए these are perfect functions. अच्छा इसमें से क्या होगा आप लोग मैथमेटिकल फॉर्म से करेंगे P1X1 plus P2X2 पहले अगर क्वांटिटी टैक्स लगता है तो क्वांटिटी टैक्स एक्स पे लगता है तो फिर क्या होगा P1 plus P2X2 plus M ठीक है. अब अगर इनकम टैक्स लगेगा तो वो भी किससे माइनस होगा डायरेक्ट वो किससे P1X1 plus P2X2 is equal to M minus C आर लगा लिया कुछ भी लगा लिया टी लगा लिया ठीक है. तो ये इसका मैथमेटिकल जो है वो बनेगा.